कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मॉनसून एंड रेसिपी। जी हाँ, मिसल पाव, मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड, जिसके लिए मैंने मोठ दाल या मटका दाल और मूंग दाल जो दोनों को मिक्स करके हाफ हाफ कप अच्छे से भिगो के स्प्राउट निकाल लिया था। और एक कप चॉप प्याज, एक कप चॉप टमाटर, थोड़ा गड़ी का गोला, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून वाइट सेसमे सीड, थोड़ा कड़ी पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च सब ले लिया था। यहाँ कुछ खड़े मसाले ले लिए थे। तो सबसे पहले हम मिसल पाव का मसाला तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले नारियल को ऐसे ही भून लिया था। और इधर स्प्राउट चढ़ा देंगे हम उबलने के लिए। स्प्राउट को नमक और पानी डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के एक सीटी आने तक ही बस उबालना है हमें। यह हमारा स्पॉट बोल रहा है। देखिए एक सीटी आ गया ना। अब गैस को कर देंगे ऑफ और कंसंट्रेट करेंगे हम अपने मसाले पे। ये देखिए नारियल अच्छे से भुन चुका है। अब नारियल को हम निकाल देंगे बाहर। धीमी आंच पे भुनेंगे कि नारियल जले ना। आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक टेबल स्पून लिया था वाइट सेसमे सीड, उसको भी साथ में जब नारियल अच्छे से भुन गया तो डाल दिया। देखिए हल्का हल्का ब्राउनिश कलर तक का भुनना था, अच्छे से भुन गया। अब सेम कढ़ाई में हम ले लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डाल देंगे जीरा, थोड़ा सौंफ और चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को भी अच्छे से भुनेंगे हम। थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की तरफ, मतलब ब्राउनिश टोन पे मसाले को ले जाना हमें। तो प्याज को भी थोड़ा ब्राउन कलर का होने तक भुनेंगे। फिर डाल दिया था मैंने 6 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, 3-4 हरी मिर्च। तीखेपन पे अगर आपको बहुत तीखा है तो आप कम भी कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर डाल दिया था टमाटर और अच्छे से मसाले को भुनेंगे। फिर डाल दिया था मैंने 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, 1-2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया था और 1 टीस्पून ही गरम मसाला डाल दिया था। बाद में थोड़ा सा भुना जीरा, 1/2 टेबल स्पून डाल दिया था भुना जीरा मसाला। और अच्छे से मसाले को हम धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। नमक डाल देंगे, इससे क्या होगा ना टमाटर और प्याज थोड़ा जल्दी, मतलब कुकिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगी। समय मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप इसका थोड़ा सा डाल देंगे पानी और मसाले को अच्छे से पकने देंगे, मतलब टमाटर पूरा मैशी हो जाए तब तक पकाना है हमें। देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, रख देंगे। मसाला जब ठंडा हो जाएगा हल्का तो ग्राइंडर में ले लेंगे मसाला और अपना जो तिल और नारियल भुना था उसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे हम। अब देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन के रेडी हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर से कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो डाल देंगे राई और हींग और कढ़ी पत्ता तड़के में। फाइनली मुझे कढ़ी पत्ता मिल गया। उसके बाद तैयार किया हुआ मसाला डाल देंगे। देखिए कढ़ी पत्ता इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, इसलिए ढूंढ के लाई थी मैं कढ़ी पत्ता। अब अच्छे से मसाले को हम भुनेंगे। अब ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हम ऐसे। ये देखिए तेल अलग थोड़ा सेपरेट होने लगा ना, यानी कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम अपना उबला हुआ दाल डाल देंगे, स्प्राउट डाल देंगे, जो भी आप कह सकते हैं इसे। फिर अच्छे से मिक्स करके इसे आप नमक वमक टेस्ट कर लेना, क्योंकि दाल उबालते वक्त भी नमक डालें, थोड़ा बहुत मसाले में भी डाला था, तो यहाँ पे आप नमक टेस्ट कर लेना। आप नमक अपने हिसाब से डालते रहना। जार में जो भी लगा हुआ था सब कंगाल के इसमें डाल दिया और उसको हम धीमे आंच पे पकने देंगे। ये देखिए हल्का हल्का तेल ऊपर की तरफ दिखने लगा है।
थोड़ा और पकाते हैं, डिपेंड आप चाहें तो इस मतलब अब इसकी कंसिस्टेंसी अपने खाने के हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी का बना सकते हैं या गाढ़ी कंसिस्टेंसी का बना सकते हैं। मैंने थोड़े इसकी कंसिस्टेंसी मतलब इसमें थोड़ा ग्रेवी को गाढ़ी रखा था, बहुत पतली मतलब बहुत रनी ग्रेवी नहीं तैयार की थी। और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम फाइनल तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में ले लिया था मस्टर्ड ऑयल। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और अच्छे से मिक्स करके तुरंत हम मिसल पॉप पे गिरा देंगे। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा हो जाएगा, थोड़ा रेड रेड दिखने लगेगा। अब अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और इसको पका देंगे। और तड़का देने से ना ऊपर से इस मतलब इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, मतलब एक लेवल इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो आप भी ऐसे बनाइएगा, मिसल मतलब ये मिसल तैयार करने के बाद से आप तड़का दीजिएगा। उसके बाद क्या किया था, थोड़ा सा डाला था हरी धनिया काट के चॉप करके और इसको 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबलने दिया था। और यह हमारा मिसल रेडी हो चुका है। अब इसको टाइमिंग है प्लेटिंग का, तो सबसे पहले हम जो स्प्राउट है वो निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। उसके बाद डाल देंगे नमकीन, आप कोई से भी नमकीन यूज़ कर सकते हैं। आप जो ये फलहारी मिक्स आता है वो भी डाल सकते हैं, मोटा वाला सेव डाल सकते हैं, पतला सेव डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, आप अपने तरीके से सजा सकते हैं इसे। फिर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, उसके बाद से क्या करेंगे ना जो थोड़ा थोड़ा मतलब मिसल के ऊपर जो ऑयल दिखेगा थोड़ा सा उसको ऊपर से डाल देंगे। रखेंगे नींबू काट के, तो ये हमारा मिसल रेडी हो चुका है। और खाने से पहले हम इसमें नींबू का रस मिला लेंगे और हमारा मिसल पाव रेडी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।